अर्चना यादव और सरवन जो पाल हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी फिर बार बार कहते हैं, एक से नहीं आसान इतना समझ लीजिए, आग का दरिया डूब के जाना है। एक और प्रेम कहानी का अंत हो गया है। जखौरा ब्लॉक के एक पंचौरा गांव में रहने वाली 19 वर्षीय सरवन पाल और 18 वर्षीय अर्चना यादव ने खुदकुशी कर लिया। एक प्रकार कहें कि एक पेड़ पर उनकी संदिग्ध स्थिति में जो कहें कि उनके सब टंगे हुए मिले हैं। लोग चर्चा कर रहे थे, लोगों को पता था कि इनके प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये लड़का जो है पाल समाज से था, तो लड़की जो है यादव समाज की थी। लड़का का 8 महीने पहले शादी हो चुकी थी और लड़की कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रेम करती थी, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो समाज का जो कहें कि जाति का बंधन है वो भी आया, और कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जो परिवार वाले स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और लड़का की भी हो सकता है कि ज़बरदस्ती शादी कर दी गई हो, जिससे लड़का भी उस शादी से खुश नहीं था। और उसके बाद जब परेशान हो गए तो उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। पुलिस जांच कर रही है, संदिग्ध स्थिति बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी कई पोस्टें लोगों ने डाली और तमाम कहें कि जो अधूरा प्यार होता है उसके गाने लगाकर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक लव स्टोरी, एक मोहब्बत, एक प्यार का, एक कहानी का अंत होगा है ललितपुर जिले के जखौरा ब्लॉक के पंचौरा गांव में। पंचौरा गांव के रहने वाली लड़की उसी के समीप के गांव में एक चरौल के पेड़ पर लड़का लड़की टंगे मिले फांसी के फंदे पर। और जब गांव वालों को पता चला तो फिर पुलिस को बुलाया, और पुलिस उस पर भी छानबीन ही कर रही है। क्या है, कुछ अंदर खाने को ऐसी चीज़ें हो या क्या हो सकती हैं, या किसी थर्ड पर्सन ने उनको मार के टांग दिया है। तमाम चीज़ें हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और पुलिस या जांच अभी चल रही है। जो कुछ होगा एक बार फिर आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। लेकिन एक कहानी जो प्रथम दृष्टा लोग चर्चा कर रहे हैं कि दोनों प्रेम प्रसंग का मामला है, दोनों प्रेम करते थे और लड़की की शादी हो चुकी थी, लड़की उसको बहुत प्यार करती थी, और लड़की की उम्र 18, लड़के की 19 साल की उम्र थी, और कहीं ना कहीं वो घर से चूँकि भाग चुके थे, कुछ दिनों से गायब थे, और जब पता चला तो बगल के एक गाँव के समीप उनकी एक जंगल में एक पेड़ पर उनकी लाश लटकी हुई दिखाई दी, और फिर जाके ये सब चर्चा हुई है। तो पंचौरा गांव लोगों के दिमाग में और दिल में बैठ गया है, वहां पर एक प्रेम कथा का अंत हो गया है। नमस्कार।